ये देखिए कितने क्रिस्पी है, इसकी आवाज सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी के मंचूरियन, जिसे मेरे घर में बहुत ही शौक से खाते हैं। बच्चे हो या बड़े, इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसे हम बिल्कुल बाजार में मिलते उसी तरह के मंचूरियन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पत्ता गोभी के मंचूरियन किस तरह से बनते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा पत्ता गोभी ली हूँ। इसे पहले हम धो लेंगे और इस तरह का देखिए जो ग्रेटर आता है उससे हमें बारीक बारीक ग्रेट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हम पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेंगे। अब एक इसे बाउल में निकाल लेती हूँ मैं। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो स्वाद के मुताबिक नमक लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक हरी मिर्च को गोल रिंग में इस तरह से काट लिया है। इस मंचूरियन को हम जो स्पाइसी लाल चटनी होती है उसके साथ खाएंगे। तो आप अगर ऐसे ही मंचूरियन को खाने वाले हो तो मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हो। और बाजार जैसे मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, तो ये ऑरेंज रेड फूड कलर है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। ये सब चीजें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। अब देखिए बाजार में जो मंचूरियन मिलते हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए अजीनोमोटो को डाला जाता है, लेकिन अजीनोमोटो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक पहले ही डाल देने से पत्ता गोभी में पानी निकलने लगता है, तो जो पानी निकलेगा उसी में पहले हम आटा डालकर इसे मिक्स करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो ही इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए काफी सारा पानी निकल जाता है नमक डालने से। ऐसे तो बच्चे घर में पत्ता गोभी खाते नहीं है, मगर इस तरह से आप मंचूरियन बनाओगे तो बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक कप भर के मैदा लिया है और इसे छान कर लिया है। पहले मैं आधा डालूंगी, फिर जितनी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से डालूंगी। तो अभी आधा मैदा डाल दिया है मैंने। और मंचूरियन को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने आधा कप भर के कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी ले सकते हो। ये डाल देंगे। तो आधा कप मैंने मैदा लिया है और आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम मैदे को थोड़ा इसमें और मिक्स करेंगे। मंचूरियन का आटा यहाँ पर थोड़ा ढीला लग रहा है, तो मैं मैदा थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगी। हमने इसमें कोई भी पानी नहीं डाला है, जो पत्ता गोभी में से पानी निकलता है बस उसी के पानी में इसे मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला है। पानी डालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी है। और इतना आटा कलाने में देखिए एक कप में भी इतना मैदा बच गया है। तो आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और आधा कप से ज्यादा मैंने मैदा लिया है। तो ये मंचूरियन का आटा हमारा रेडी हो चुका है। और ये आप देख सकते हो ना ही बहुत ज्यादा पतला है ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बस इसी तरह का हमें चाहिए। तो चलिए इसके मंचूरियन फ्राई कर लेते हैं। मंचूरियन को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर मंचूरियन को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम उठाकर इसे डालते जाएंगे। ये जो मंचूरियन का बैटर हमने ये मिक्स किया है उसे आपको ध्यान से मिक्स करना है, और बैटर पतला हो जाएगा तो मंचूरियन में तेल जा सकता है। एक तरफ से इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। अच्छी तरह से मंचूरियन क्रिस्पी हो जाते हैं वहां तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। मंचूरियन हमारे अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। ये देखिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
अक्सर मेरे घर पे भी बच्चे पत्ता गोभी खाते नहीं है, मगर जब इस तरह से मैं मंचूरियन बनाती हूँ तो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। क्रिस्पी करारे एकदम झटपट से बन जाने वाले हमारे पत्ता गोभी के मंचूरियन बनकर तैयार है। ये देखिए कितने क्रिस्पी है, इसकी आवाज सुनिए, देखा। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जबरदस्त तैयार हुए हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आवाज सुनकर ही पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी और करारे बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे मंचूरियन को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मंचूरियन भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, आप इस मंचूरियन को टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो। बच्चों को तो टमाटर सॉस के साथ बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब देखिए, मैंने स्पाइसी वाली लाल चटनी को बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखी थी। इसमें मैंने अक्खी वाली सूखी लाल मिर्च को 10 मिनट गर्म पानी में भिगा दिया था और मिर्ची जब नरम पड़ गई तो नमक और लहसुन डालकर पीस लिया था। इसे अब टमाटर सॉस में मिला देती हूँ। अगर आपके पास टमाटर सॉस ना हो तो इस चटनी को पीसते टाइम एक टमाटर आधा चम्मच चीनी को मिलाकर पीस लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चटनी का फ्लेवर और कोई भी फ्राई की हुई चीज़ के साथ खाओगे तो उसका जायका दुगना ही हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।